गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ओरछा रोड थाना क्षेत्र में एक आभूषण व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी। घटना को गंभीरता से लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस ने घटना कारित करने वाले उत्तर प्रदेश के 3 बदमाशों और लूट का माल खरीदने वाले व्यक्ति को दबोच लिया है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में घटना का खुलासा किया। आरोपियों के पास से लूट की संपत्ति और घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 25 जनवरी की शाम को बनगाय निवासी आभूषण व्यापारी ने ओरछा रोड थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वो शाम करीब 6 बजे अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी सफेद रंग की बुलेरो कार से आए अज्ञात बदमाशों ने उसकी बाइक को टक्कर मारने के उपरांत आभूषणों से भरा बैग छीना और मौके से फरार हो गए। घटना को गंभीरता से लेते हुए विवेचना के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने शहर के विभिन्न चौराहों और पेट्रोल पंपों सहित अन्य जगहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर क्षतिग्रस्त बुलेरो वाहन की पहचान की और कार का नंबर भी पुलिस को मिल गया। इस नंबर से मिली जानकारी के आधार पर दबिश देकर पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी 25 वर्षीय निवासी ग्राम जखरौन जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना कारित करना स्वीकार कर लिया और साथियों के नाम भी पुलिस को बता दिए। पुलिस ने लूटे हुए करीब 5 लाख के आभूषण और घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2 अन्य साथियों तथा लूट का माल खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना के कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये 25 तारीख को देवपुर तिगेले के पास रहने वाले एक सराफा व्यापारी के साथ लूट हुई थी, और इस लूट में जब वो अपने घर जा रहा था बाइक पे, तब पीछे से बुलेरो ने टक्कर मार के उसका बैग जिसमें कि सोने चांदी के जेवरात थे छुड़ा लिया था। इसमें हमारी टीम, जिसमें ओरछा रोड के थाना प्रभारी और TI सिविल लाइन्स और उनकी टीम थी, साथ में एडिशनल SP और CSP लगातार इसका सुपरविजन कर रहे थे। इसमें आज 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि 3 जो घटना में शामिल थे और एक अन्य सराफा व्यापारी जिसने कि इस माल को गलाने के लिए लिया था। कुल इस घटनाक्रम में 5 आरोपी थे, जो कि मूलतः उत्तर प्रदेश ललितपुर के रहने वाले हैं, और इसमें 2 आरोपी अभी शेष हैं जो कि इस घटना के, हम बोल सकते हैं, मास्टरमाइंड या मुख्य आरोपी थे। और इनसे जो लूट हुई थी, उस लूट का लगभग 5 लाख रुपए का जो मशूका है, ये बरामद कर लिया गया है, और बहुत ही जल्दी 5-6 दिनों के अंदर ही इस लूट को ट्रेस किया है। और पूरी पुलिस टीम जो इस काम में लगी हुई थी, उसको मेरी तरफ से जो है 10,000 रुपए का कैश अवार्ड भी दिया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, जिससे ये हमारा केस भी कंप्लीट हो, और साथ ही एक अन्य केस जो हमारा लंबित रहा है, उसके बारे में भी हमें क्लू लगे हैं, उसका भी हम निराकरण कर पाए।